हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल दोस्तों, आज हम लखनऊ में अकबरी गेट के पास जो यहाँ पर लिखा हुआ अभी आपने देखा होगा, इस प्लेस का नाम है नखास। और नखास में यहाँ पर जैसे आज मौसम बहुत ठंडा है, तो ठंड के मौसम में यहाँ की एक चीज़ बहुत फेमस है, चाय तो आपने बहुत पी होगी। लेकिन अगर हम चाय की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो ये शॉप है, यहाँ पर है एक डिफरेंट चाय, तो उसका नाम है कश्मीरी चाय। और कश्मीरी चाय का हम आपको मज़ा भी लेकर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसी है वो कश्मीरी चाय, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उनसे बात भी करेंगे। तो चलिए आइए, आपको दिखाते हैं एक ऐसी डिफरेंट चाय जो कि यहाँ पर मिलती है और शायद और जगहों पर ये आपको स्पेशलिटी नहीं मिलेगी। तो चलिए आइए और देखते हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं और बात करेंगे कि ये कैसे, किस तरीके से इस चाय को बनाते हैं और क्या प्रोसेस है इसका, और किस किस फ्लेवर में यहाँ पर उपलब्ध है, किस तरीके से लोग ग्राहक आते हैं यहाँ पर मांगते हैं। तो सर कुछ बताएं इस बारे में, यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं और किस तरीके की आप चाय बनाते हैं। ये कश्मीरी ग्रीन लेवल चाय है। ओके। और ये बॉयल की जाती है, उछाली जाती है। अच्छा। उछालने के बाद में ये इसका कलर निकाला जाता है। अच्छा, ये किस कलर में रहती है? ये पिंक कलर में रहती है। ग्रीन ले चाय ग्रीन होती है। अच्छा अच्छा। बनाने के बाद ये पिंक कलर हो जाता है। टेस्ट कैसा रहता है? टेस्ट इसका अच्छा होता है। इसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं? इसमें लौंग, इलायची, जावित्री, ये दूध, शक्कर। क्या हर सीजन में मिलती है ये? नहीं, ये सिर्फ जाड़े में। जाड़े में। और इसकी कुछ गर्माहट वाली सिफ्ट भी है? इसकी कुछ गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी में चाय फट जाती है ज़्यादातर। अच्छा अच्छा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप कुछ, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ ये किस कलर में है, किस किस तरीके से है। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका पिंक कलर है, रिच पिंक कलर में ये अवेलेबल है। और आई थिंक सो ये सब इस तरीके के फ्लेवर्स में भी अवेलेबल रहती है, लोग इस तरीके से भी मिला के लोग पीते हैं और खाते भी हैं, साथ में खाते भी हैं। और ये जो पापे, इस तरीके के फैन देखे होंगे आपने, इस तरीके के फैंस में ये मिलाकर दी जाती है यहाँ पर। और ये डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है और यहाँ पर बहुत फेमस है। चलिए इसको टेस्ट करके भी देखते हैं। ये कुछ मुझे बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हम दूध में फैन या बिस्किट को भिगो लेते हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी जिस तरीके की हो जाती है, उस तरीके की ये हो गई है। अब देखता हूँ मैं कैसी लग रही है। इसमें जो स्मेल है वो सबसे पहली जो इंग्रेडिएंट की स्मेल इसमें सबसे लॉन्ग की आ रही है, और साथ में इलायची की भी इसमें स्मेल है साथ में। और जैसे इन्होंने बताया कि इसका कलर पिंक है और ये केसर की भी इसमें कुछ मिक्सिंग है शायद, तो आई थिंक कि उसकी भी इसमें महक है क्योंकि कश्मीर से इसका जुड़ाव है। तो जाहिर सी बात है इसमें दूसरी चीज़ें भी मिक्स की गई होंगी जो मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स, इनके कुछ सीक्रेट भी हैं जिस वजह से ये बहुत फेमस है यहाँ पर। बट अल्टीमेटली इट्स वेरी डिफरेंट और ये यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ही शायद इस तरीके की ये बनाई गई है। दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड अमेजिंग थिंग। इस कंटेनर में इसको बनाया जाता है, इसका नाम है समावत। इसमें सेव किया जाता है और इसी के नीचे ये बॉयल होती रहती है, धीरे धीरे गर्म होती रहती है, इसको समा दिया जाता है। यू कैन से ये हिंदी में जैसे कहते हैं कोई चीज़ समा जाती है किसी चीज़ में, उसी तरीके से इसको इसमें रख के काफ़ी देर रखा जाता है जिससे इसका फ्लेवर और अच्छे से डेवलप हो सके। आई होप सो ये चीज़ आपको डिफरेंट मिली होगी और जब कभी आप लखनऊ आएँ तो ये जो कश्मीरी चाय है इसको ज़रूर आप टेस्ट करें, ट्राई करें अकबरी गेट के पास में। जहाँ पर आप सभी ने देखा ये यहाँ पर टी मिल रही है, तो उसके साथ यहाँ पर एक कल्चर का भी थोड़ा सा उनको ध्यान में रखा गया है कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर लोग बैठ के चाय ले रहे हैं तो मेल के लिए ये जगह बनाई गई है कि जिससे वो बाहर आराम से बैठकर इस चाय का मज़ा ले सकते हैं, और फीमेल के लिए कर्टेन पड़े हुए हैं जिन कर्टेन में अंदर फीमेल्स बैठ सकती हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि वो अंदर आराम से बैठी है और पर्दे में बैठकर आराम से चाय ले सकती हैं।
तो आई होप सो जब आप यहाँ आएंगे तो इसको ज़रूर टेस्ट करेंगे और हमेशा याद भी रखेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक डिफरेंट थिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।